ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। नॉर्थ दिल्ली के पूटखुट वार्ड क्षेत्र से निगम पार्षद अंजू अमन कुमार द्वारा निशुल्क तीर्थ यात्रा का आयोजन अब पूरी दिल्ली में लोकप्रिय हो रहा है। मंगलवार देर रात लगातार चौथे दिन भी सुल्तानपुर दबास गांव से 8 बसों को हरिद्वार रवाना किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे। ये सैकड़ों महिलाएं, बुजुर्ग और कुछ युवा भी एकत्रित हुए हैं गांव सुल्तानपुर डबास में निगम पार्षद अंजू अमन कुमार द्वारा निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लगातार चौथे दिन 8 बसों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। देर रात अमन कुमार और उनकी पूरी टीम ने पूरे इंतजाम के साथ तीर्थयात्रियों को रवाना किया, तो दूसरी तरफ हरिद्वार में पार्षद अंजू ने जत्थे का स्वागत किया। यात्रा पर जा रही महिलाएं और क्षेत्र के बुजुर्ग निगम पार्षद अंजू और उनके पति अमन कुमार की सराहना करते नहीं थकते। बहुत बढ़िया, इसको फिर बनाएंगे दूसरे, बहुत बढ़िया आएगा। घूमन उमन नहीं गए थे और अब मौका मिला है तो घूम पाएंगे, इसीलिए सब बहुत खुश है। बहुत बहुत बधाई देंगे इनको, अच्छे भगवान इनको बनाए, अच्छे से वो करे। अच्छा, काम कैसा उनका? लगभग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सुविधा भी और अच्छी दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, भाई गुड़ियाओं को भी, माता बहनों को, सबको कर रहे हैं। हरिद्वार यात्रा में अब तक लगभग 1500 लोग शामिल हो चुके हैं और अगले 6 दिनों में इस संख्या को 5000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अमन कुमार कहते हैं कि उनकी टीम और स्थानीय लोगों के स्नेह के कारण ही वो ये विशाल आयोजन कर पा रहे हैं। आज सुल्तानपुर डपास गांव से करीबन 400 महिलाएं, बुजुर्ग, माते बहने जा रही है, 8 बस से यहां से टोटल जा रही है। अभी तक की जो यात्रा रही है उसके कितने यात्री अभी तक वापस आ चुके हैं हरिद्वार से? दो जत्थे वापस आ चुके हैं, करीबन 1800 आदमी वापस आ चुके हैं वहां से, हरिद्वार से तीर्थ स्थान करके। हरिद्वार में उनके लिए क्या इंतजाम? सर, 2 दिन का रुकने का इंतजाम है, वहाँ पर निष्काम देवा सेवा सदन है, वो धर्मशाला है, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उनको भोजन खिलाया जाता है, चाय नाश्ते का अच्छा प्रबंध है और खुद अंजू निगम पार्षद वार्ड 31 से वो उनकी खुद देख रेख कर रही है खाने में और वहाँ पे गंगा मैया के स्नान के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था की जा रही है। यहाँ से दिल्ली सरकार ने भी स्वर्ण कुमार योजना शुरू की थी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे, आपके बार से क्या स्थिति है, कितने लोग तीर्थ यात्रा पर गए हैं और आने के बाद वो क्या कहते हैं? यहाँ से करीबन आज मिला के 2500 के आसपास आदमी गए हैं, बहुत खुश हैं। आज मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई साहब बेटे, बड़ी खुशी मिलती है जब कोई तीर्थ स्नान करके आता है, आज उनके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट थी। मैं सुबह जब गया 4:30 बजे की बात है, बहुत खुश दिख रहे थे सभी। अच्छा, उनके वापस आने के बाद आप रिसीव करने के लिए भी जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैं उनसे मिला, उनके चेहरे पे खिलखिलाहट अलग ही थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि यूं तो केजरीवाल सरकार ने भी श्रवण कुमार योजना शुरू की थी लेकिन उसकी प्रक्रिया जटिल थी, जबकि अंजू अमन कुमार निजी प्रयासों से लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेज रही हैं। क्षेत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जनप्रतिनिधि ने जनता के लिए इतने बड़े स्तर पर तीर्थ यात्रा का आयोजन किया हो। हरिद्वार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें भी यही दिखाई देता है कि यात्रियों की सुविधा और श्रद्धा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खबर है कि बीजेपी के अन्य निगम पार्षद भी आने वाले समय में अपने अपने वार्ड से इस तरह की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर